देखो 10,000 रुपए ना एक ऐसा बजट है जिसके अंदर हमें एकदम ही सबसे परफेक्ट मॉनिटर मिल जाएगा एंड उसके बाद ना अपनी चाहे कोई भी रिक्वायरमेंट है, ऑफिस के लिए मॉनिटर चाहिए, प्रोफेशनल लुकिंग वाला मॉनिटर, गेमिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग या फिर फोटो एडिटिंग करनी है और या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, कलर ग्रेडिंग वाले काम करना चाहते हो, बेसिकली हर तरह का मॉनिटर आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड एक यूज केस ये भी आता है कि लैपटॉप की डिस्प्ले बढ़िया नहीं है, आईपीएस मॉनिटर लगा के आपने काम करना है, परफेक्ट मॉनिटर आपको 10,000 के बजट के अंदर मिल जाएगा। एंड जो मॉनिटर हम आज के इस वीडियो के अंदर चेक करने वाले हैं वो है MSI का गेमिंग मॉनिटर, LG का प्रोफेशनल मॉनिटर, BenQ, Samsung एंड Acer। तो अपनी वीडियो का जो सबसे पहला मॉनिटर है वो है MSI का। अब ये जो मॉनिटर है ये इस बजट का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग गेमिंग मॉनिटर है। 10,500 रुपए इसका करंट प्राइस है। 24 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, FHD IPS एंटीग्लेयर, 3-साइड बेजललेस डिजाइन है इसका, 170Hz का रिफ्रेश रेट है, 1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम, 102% sRGB, 86% Adobe RGB, 400Hz की ब्राइटनेस, AMD FreeSync प्रीमियम के साथ ही लो ब्लू लाइट। अब एक चीज ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि इस बजट के अंदर आने वाले सभी मॉनिटर्स के कंपैरिजन में ना इसका रिफ्रेश रेट सबसे ज्यादा है एंड ऊपर से हमें 102% sRGB मिल रही है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अगर आपने गेमिंग करनी है तो वो चीज भी इसके ऊपर पॉसिबल है और या फिर आपने फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, लोगो डिजाइनिंग जैसे ये सारे काम करने हैं ना जिसके अंदर कलर की एक्यूरेसी हमें 100% चाहिए तो इसकी डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट है। 2 HDMI, 1 डिस्प्ले एंड साथ में ईयरफोन आउट की हमें पोर्ट मिल जाती है। इसके अंदर हमें 3 साल की वारंटी वेसा माउंटेबल है एंड साथ में टिल्ट एडजस्टेबल। बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है, अगर आप गेमिंग करना चाहते हो ना हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट मॉनिटर है, गो फॉर इट। अगला मॉनिटर आ गया LG का। देखो LG ब्रांड का सबसे बेस्ट मॉनिटर इस बजट का यही वाला है। 8600 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 10,000 से थोड़ा प्राइस कम है लेकिन टोटली वर्थ इट है। 24 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, FHD IPS एंटीक्लेयर, बेजललेस डिजाइन है इसका, 5 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम, 75Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250Hz की ब्राइटनेस एंड 100% sRGB, मोशन ब्लर रिडक्शन के साथ ही AMD FreeSync प्रीमियम। बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है। इसके अंदर हमें जो पोर्ट्स मिल जाती हैं, हेडफोन पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI एंड साथ में VGA पोर्ट। HDMI केबल हमें बॉक्स के साथ मिल जाएगी, वॉल माउंटेबल है, टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही 3 साल की वारंटी। टोटली वर्थ इट मॉनिटर है, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। अगला मॉनिटर आ गया BenQ का। सबसे पहली चीज कि ये मॉनिटर Amazon Joyce का मॉनिटर है, वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है। इसके जो कलर्स की एक्यूरेसी है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एडिटिंग करना चाहते हो ना, कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं, हैंड्स डाउन सबसे बेस्ट मॉनिटर मैं इसे कह सकता हूँ। 8900 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 24 इंचेस की डिस्प्ले, FHD IPS एंटीग्लेयर, 3 साइड से बेजललेस डिजाइन, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 5 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम हो गया, 250Hz की ब्राइटनेस मिल जाती है, 100% sRGB, 72% NTSC, लो ब्लू लाइट के साथ ही फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाती है हमें इसके अंदर। स्पेसिफिकली इस मॉनिटर के साथ ना जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। VGA पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक एंड जो हमें बॉक्स के साथ मिल जाता है वो मिल जाता है 1.5 मीटर की पावर केबल एंड साथ में 1.5 मीटर की HDMI केबल, 3 साल की वारंटी, टिल्ट एडजस्टमेंट, वेसा माउंटेबल की सपोर्ट, साथ में बिल्ट इन स्पीकर्स मिल जाते हैं, 1 वॉट के 2 स्पीकर्स हैं। बस एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आपने प्रोफेशनल गेमिंग करनी है ना तो सिर्फ और सिर्फ उस यूजेज केस के अंदर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मॉनिटर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, वो भी BenQ का मॉनिटर है। उसका प्राइस अराउंड 11,500 रुपए है। अगर आप उसे कंसीडर करना चाहते हो ना तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। दोनों के अंदर हार्डली कोई डिफरेंस है। अगला आ गया Samsung का मॉनिटर। वी ऑल नो कि जो Samsung ब्रांड है ना उसकी जो डिस्प्ले है वो दी बेस्ट है मार्केट के अंदर एंड ये वाला मॉनिटर मैं काफी देर से यूज कर रहा हूँ एंड मुझे इसके अंदर 1% की भी कोई दिक्कत नहीं मिली। एकदम ही बेस्ट इन क्लास एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ। 8700 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 24 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। इसकी डिस्प्ले 8-bit डिस्प्ले है, FHD IPS, बेजललेस डिजाइन है इसका भी, 5 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम हो गया, 75Hz का रिफ्रेश रेट है, 250Hz की ब्राइटनेस, 72% NTSC, 100% sRGB, i7 मोड के साथ ही फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन। देखो वैसे तो हमने ये मॉनिटर यूज करना है प्रोफेशनल यूजेज के लिए क्योंकि गेमिंग मॉनिटर के अंदर तो हमें ज्यादा रिफ्रेश रेट चाहिए, बट नॉर्मल जो भी आपको मॉनिटर मिलते हैं ना उसके अंदर हमें 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया होता है, इसके अंदर हमें 75Hz का मिल रहा है तो ये चीज भी काफी बढ़िया चीज है। HDMI एंड VGA पोर्ट हमें मिल जाती है। HDMI केबल हमें साथ में मिल जाएगी बॉक्स के। देखो VGA पोर्ट होने का ना एक फायदा होता है कि अगर आपका कोई भी पुराना PC है ना, लैपटॉप है, आप उसे बिना कन्वर्टर से भी अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हो तो ये भी चीज एकदम ही बढ़िया है इसकी। 3 साल के वारंटी, टिल्ट एडजस्टमेंट, बहुत ही बढ़िया मॉनिटर है। हैंड्स डाउन मेरी तरफ से ये मॉनिटर तो आप सबके लिए हाईली रिकमेंडेड है। आंखें बंद करके आप इस मॉनिटर को बाय कर सकते हो, ट्रस्ट मी इतना बढ़िया मॉनिटर है। एंड जो मेरी वीडियो का सबसे बेस्ट गेमिंग मॉनिटर है दैट इज Acer Nitro, 9700 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 8-bit डिस्प्ले हमें इसके अंदर भी मिल जाती है, 24 इंचेस की FHD IPS एंटीग्लेयर, थिन बेजल है इसके, AMD FreeSync के साथ इसके अंदर हमें 165Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250Hz की ब्राइटनेस, 0.1 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है, 99% sRGB, एशिया 10
बटन की सपोर्ट, दो HDMI, एक डिस्प्ले पोर्ट है, हेडफोन एंड माइक कॉम्बो मिल जाएगा। HDMI केबल में बॉक्स के साथ दे रखी है। टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ ही बिल्ट इन स्पीकर्स हैं, 2 वोल्ट के 2 स्पीकर्स एंड 3 साल की वारंटी मिल जाती है। देखो एक और चीज है, कई यूजर्स को 27 इंच के अंदर हमें मॉनिटर चाहिए होता है, तो उसके लिए Acer Nitro का मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ। ये सेम मॉनिटर आपको 12,500 के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा, उसकी डिस्प्ले बड़ी है, 27 इंच की डिस्प्ले हमें उसके अंदर मिल जाती है। एंड जो 9700 रुपीज़ में आपको मैंने मॉनिटर बताया, उसका डिस्प्ले साइज है 24 इंचेस। देखो जितने भी मॉनिटर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए ना, सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड एकदम ही सिंपल चीज है, अगर तो आपको गेमिंग मॉनिटर चाहिए ना, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, Acer का मॉनिटर एंड MSI का। आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो Acer वाला बेस्ट है। और प्रोफेशनल मॉनिटर की बात करें तो चाहे फिर आप BenQ चूज कर लो और या फिर Samsung, दोनों मॉनिटर्स आपके लिए वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि इन दोनों मॉनिटर्स को स्टूडियो में मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, आप इनमें से किसी भी मॉनिटर को बाय कर लो। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी, तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। That's all for this video, guys. Video अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। Don't forget to subscribe to our channel, guys. Thanks for watching the video. Peace out.